नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल की, जो लगभग हर मरीज़ और उसके रिश्तेदार जिनका IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट हुआ है वो हमसे ज़रूर पूछते हैं। हर महिला के परिवारजन और वो खुद ये जानना चाहते हैं कि अब जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो चुका है तो उनका खान पान क्या होना चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जिसे वो अपने खाने में ले सकती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आप अपने खान पान में बरत सकती हैं जिससे आपको कोई नुकसान भी ना हो और आपके रिज़ल्ट अच्छे आने की संभावना बन सके। अब हमें समझना ये ज़रूरी है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल मात्रा से काफ़ी अधिक रहती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस के माध्यम से, जेल और टैबलेट्स के माध्यम से भी सप्लीमेंट किया जाता है, जिस कारण शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा भी कुछ ज़्यादा रहती है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है, पर साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर, हमारे इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कुछ स्लो कर देता है। इस कारण जिन महिलाओं का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उनके अंदर ये बहुत आम एक शिकायत है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, पेट फूला हुआ सा लगता है, भूख नहीं लगती, कुछ ऐसा लगता है कि पेट हमेशा भरा हुआ है। तो ये सारे लक्षण जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होते हैं। इसीलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको अपने खान पान में कुछ एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि छोटे छोटे 3 से 4 मील्स दिन भर में लेते रहें। ऐसा मत सोचिए कि हम दिन में 2 बार एक फुल स्क्वायर मील जम के खा लें और फिर बीच में कुछ भी नहीं खाएं। इससे आपको ब्लोटिंग की समस्या, इनडाइजेशन, नौशिया, वॉमिटिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा अपने खाने को हर 2 या 3 घंटे के अंतराल से छोटे छोटे जो मील्स हैं वो आप लेते रहें। खाने में चिकनाई, वसा, इससे जो बनने वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उन्हें आप कम मात्रा में खाएं, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो है ये इंटेस्टाइन में ज़्यादा समय तक रहती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहने के कारण आपको डाइजेशन में इससे समस्या हो सकती है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस दौरान आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बाहर बना हुआ खाना, होटलों में, ठेलों पर खाना, ये आप इस समय बिल्कुल अवॉइड करिए। आपके घर में बना हुआ ताज़ा खाना, इसमें आप जो चाहे वो सब्जियाँ ले सकते हैं, जितनी चाहे आप दालें ले सकते हैं, जो भी फल आपका मन करे खाने का उसे आप खा सकते हैं। कॉमनली पूछा जाता है कि क्या पाइनएप्पल और पपाया हम खा सकते हैं। एक ये धारणा है कि पपाया अबॉर्टिफिशियंट होता है, इससे अबॉर्शन की संभावना होती है, यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। इसमें साइंटिफिक तथ्य कुछ भी नहीं है, परंतु यदि आपके घर वालों की ऐसी धारणा है तो आप इन 2 फलों के अलावा आप जो भी फल खाना चाहें वो आप सब खा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है उन महिलाओं के लिए जिनके फॉलिकल्स 15 से ज़्यादा बने हों, यानी यदि आपके एग्स 15 से ज़्यादा बने हों और आपका डॉक्टर ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, फिर आपको प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा रखनी होगी। प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज दूध, पनीर, साबुत दालें, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स भी खा सकते हैं, इन सब का जो है अपने खाने में समावेश करिए। इससे आप ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन नाम की जो समस्या होती है उससे भी कुछ हद तक बच सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रिकॉशन है वो खान पान से संबंधित नहीं है, वो है आपकी मानसिक स्थिति से संबंधित। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो हमें वेट करना पड़ता है रिज़ल्ट का, उसमें हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है, करने को कुछ नहीं होता, हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा, और इसका हमारे रिज़ल्ट पे नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। तो खान पान आप नॉर्मल ही रखिए, छोटे छोटे अंतराल पे मील्स लेते रहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखिए यदि फॉलिकल्स ज़्यादा बने हों, और चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि चिंता करने से हमारे रिज़ल्ट पर बुरा ही असर पड़ सकता है, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लेने वाले प्रिकॉशंस पर यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें अपने सवाल लिख भेजिए, हमें आपके समस्याओं का समाधान करने में बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।